भोपाल में गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सपरिवार गणेश प्रतिमा लेने पहुंचे। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने घर में गणेश प्रतिमा स्थापित की। इस अवसर पर बीजेपी कार्यालय में भी गणेश प्रतिमा को बड़े धूमधाम के साथ विराजित किया गया। गणेश उत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सपरिवार गणेश जी की प्रतिमा लेने पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पत्नी साधना के साथ माता मंदिर के पास एक दुकान से गणेश प्रतिमा ली। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को पर्व की शुभकामनाएं दी। रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश का 10 दिवसीय पर्व राजधानी में मनाया जा रहा है। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विघ्नहर्ता लंबोदर श्री गणेश को सर माथे पर लेकर घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि पंचगव्य में से एक गाय के गोबर से बने गणपति को अपने घर पर लाकर विराजें। इसके साथ ही प्रदेश भाजपा कार्यालय में भी विधि विधान के साथ भगवान गजानन की स्थापना की गई। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर उनकी विशेष पूजा अर्चना करते हुए प्रदेशवासियों को गणेश उत्सव की शुभकामनाएं दी। प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रथम पूज्य भगवान गणेश सब पर कृपा की वर्षा करें, सिद्धि विनायक का आशीर्वाद पूरे प्रदेश और देश की जनता पर बरसे, सब सुखी हों, सब निरोग हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। लेकिन एक और अपील करना चाहता हूं, गणपति जी गणेश जी हम सबको आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद की वर्षा करते हैं और गणेश उत्सव हम बहुत धूमधाम से मनाते रहे हैं, लेकिन इस बार अभी तीसरी लहर आने का संकट बरकरार है। देश के कई प्रदेशों में बड़ी संख्या में कोविड के कोरोना के पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं और उसके कारण कुछ मृत्यु भी हो रही है। इसलिए हम कोविड के संक्रमण को रोकने के नियमों का पालन करते हुए ही गणेश उत्सव मनाएं, मास्क लगाए रहें, ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, जो गाइडलाइन है उसका पूरा पालन करें ताकि सानंद हम गणेश जी की पूजा और अर्चना भी कर सकें, उनसे प्रार्थना करके अपने अपने प्रदेश के और देश के मंगल की कामना भी कर सकें और कोविड को फैलने से रोकने में भी हम सफल हो पाए, तीसरी लहर ना आए, ये प्रार्थना। सुरप्याय लंबोदराय सकलाय जगत गिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमः। आज विघ्नहरण मंगलकरण पधार रहे हैं, अगवानी में है। गाय के गोबर से निर्मित श्री गणेश जी की यह पवित्र मूर्ति और प्रार्थना मट्टी और गोबर से निर्मित मूर्ति के लिए न तो पोल्यूशन न प्रदूषण और हमारी पवित्रता। हमारे यहाँ पंच गव्यों में एक गव्य गाय का गोबर भी होता है, गौरस से लेके गोबर तक, और उसके गणेश मिले या मट्टी के पवित्र के माटी के गणेश मिले अहो भाग्य कहलाता है। और इसलिए हमारे यहाँ पर गाय के अंदर 34 करोड़ देवताओं का भी वास बताया गया है। पूरे प्रदेशवासियों से प्रार्थना कि आज आप सबको चतुर्थी की बहुत बहुत मंगल कामना। एपेक्स बैंक मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, समृद्धि आपकी, योजनाएं हमारी, वाहन ऋण, आवास ऋण, व्यक्तिगत ऋण, भ्रमण ऋण, उच्च शिक्षा ऋण, व्यापारियों को साख सीमा ऋण, त्योहार ऋण, चिकित्सा ऋण परियोजना, उपभोक्ता ऋण, आभूषणों के तारण पर ऋण, अचल संपत्ति के बंधक पर ऋण,
क्यों देखें महज सपने, आइए करें उनको साकार। केंद्र, राज्य शासन, शासकीय निगम, मंडल बोर्ड, समस्त सहकारी बैंकों, संस्थानों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के लिए उपरोक्त समस्त ऋण रियायती ब्याज दर मात्र 8% पर ऋण सुविधा उपलब्ध। वरिष्ठ नागरिकों को सावधि जमा पर 1% अधिक ब्याज। सुविधा का लाभ लेने के लिए नजदीकी एपेक्स बैंक की शाखा में संपर्क करें। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।